एक फरवरी को एक ही दिन में दो लोगों से लूट व तीन लोगों पर गोली चलाकर फरार हुआ शाका श्यामजी निवासी बदमाश नरेंद्र गुर्जर उर्फ नैन सिंह 37 वर्षीय पुत्र चंद्र सिंह गुर्जर वारदात के 14वें दिन पुलिस की ग्रफ्त में आ गया। बदमाश नरेंद्र को उसके साथी अभिषेक के साथ पुलिस ने कुरावर नरसिंहगढ़ के बीच कोटरा छावड़ के जंगल से मंगलवार को देर शाम पकड़ा है। बदमाश को जैसे ही भनक लगी कि पुलिस उसकी घेराबंदी कर चुकी है, ऐसे में उसने पुलिस पर ही फायर कर दिया। हालांकि इस वारदात में कोई भी पुलिसकर्मी चोट नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी फरार कई दिनों से भोपाल, विदिशा, गुना, सतना व मेहर जिलों की सीमाओं से अलग अलग जगहों पर अपनी लोकेशन बदलता रहा है। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली थी कि आरोपी नरेंद्र गुर्जर कोटरा छावड़ के जंगल में कट्टा लिए घूम रहा है। बता दें कि आरोपी नरेंद्र व उसके साथी को खोजने के लिए जिले के नरसिंहगढ़, सुठालिया व कुरावर थाने की पुलिस टीम लगातार सर्चिंग कर रही थी। हमारे प्रेस जगत के सभी साथियों का स्वागत है। आज राजगढ़ जिले में पूर्व में अभी जो घटनाएँ घटी हैं, जिसमें कि एक आरोपी के द्वारा अलग अलग स्थानों पे फायरिंग की घटना की और साथ ही साथ उसने अपने परिवार में अपने चाचा, उसके मोबाइल शॉपकीपर, उसके दोस्त, पेट्रोल पंप और एक दंपति जो सुठालिया क्षेत्र में रात्रि में जा रहा था उसके साथ में लूट की वारदातें करी और वारदातें हमला किया और फायरिंग की घटना करी। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आज तारीख तक इसके कुल 13 अपराध संज्ञान में आए हैं और इन 13 जघन्य और सनसनीखेज अपराधों में राजगढ़ पुलिस को सफलता मिली है और इस अपराधी को राजगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। यह अपराधी अपना नाम नरेंद्र गुर्जर बताता है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है जो इसके डॉक्यूमेंट्स में है और इसका साथी है एक अभिषेक। इन दोनों ने मिलकर हाल ही के दिनों में घटनाओं को अंजाम दिया है। राजगढ़ पुलिस की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तलाश करी, ना केवल राजगढ़ बल्कि पड़ोसी जिलों में भी इसकी तलाश करी और अंततः कल शाम को नरसिंहगढ़ और कुरावर के बीच में जंगलों में इसके होने की सूचना मिली और कल शाम को हमारी टीम ने जाके बड़ी बहादुरी से इस व्यक्ति को पकड़ा। इसके पास में अवैध पिस्टल, देसी कट्टा और लाइव कारतूस भी मिले और इसने कल शाम को भी फायरिंग की घटना करी, जिसमें थाना कुरावर पे भी अपराध दर्ज किया गया।